ओके फ्रेंड्स, हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं और जिनमें एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम होता है, ये बात पढ़ ली है और इनके क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए हैं। अब जो अपने सिलेबस में है उसको शुरू करते हैं। जैसे कि ये भी सिलेबस में ही था, अब जो है जैसे ग्लूकोज के बारे में है, ग्लूकोज की रिएक्शंस हैं, उसके स्ट्रक्चर हैं। तो इससे पहले कि हम ये सारी चीज़ें शुरू करें, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई ग्लूकोज को डी क्यों लिखा, एल क्यों लिखा। तो ये उस ज़माने की बात है, हो सकता है आज ग्लूकोज पे साइंटिस्ट कुछ रिसर्च करके और कुछ नया बताएं, डी एल का अलग सिस्टम बताएं। लेकिन जिस समय ये खोज हुई, जो जर्मन साइंटिस्ट था एमिल फिशर हावर्थ जो दूसरा था, तो उन्होंने जो बातें बताई, जो अपनी बुक में दी हुई हैं, उन्हीं के अनुसार हम बात करेंगे कि किसको डी कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, किसको एल कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। मोनोसैकेराइड की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड में अभी आपने पढ़ा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट तो है ही कार्बोहाइड्रेट की, और इसमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3, 2, 7। तो ऐसा मोनोसैकेराइड, और क्या पढ़ा कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट क्या है, यानी कि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो अगर किसी में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको कह दिया जाता है एल्डोज, और अगर किसी में कीटोन ग्रुप है तो उसको कह दिया जाता है कीटोज। मोनोसैकेराइड्स में 3, 2, 7 कार्बन एटम है। मान लिया कोई ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 3 कार्बन है और वो एल्डिहाइड है, तो उसको हम कह देंगे एल्डो ट्राइओज। एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। अगर 4 हैं तो क्या कहेंगे, एल्डो टेट्रोज। इसी तरह फिर कीटो ट्राइओज, अगर मान लिया 3 कार्बन का है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो कीटो ट्राइओज, फिर टेट्रा पेंटा हेक्सा। तो ये जो सारे हैं इस एल्डिहाइड और कीटोन के बेस के ऊपर ऐसे नाम इनका बता देते हैं। अब जो अगर मैं सिंपलेस्ट की बात करूं, इनमें सबसे मेन कौन से हैं, पहले तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, पेंटोज और हेक्सोज। वैसे तो 3, 2, 7 ही है, लेकिन 5 कार्बन वाले ज़्यादा फेमस हैं, जैसे राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है जो आपके आरएनए डीएनए में होते हैं, हेक्सोज जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, तो ये ज़्यादा फेमस होते हैं। अगर हम सिंपलेस्ट की बात करें तो सिंपलेस्ट कौन सा होगा, ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन है। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHO, और फिर बाकी क्या होते हैं, एल्कोहल, 3 कार्बन का। जैसे कि अब ये होगा अपने पास, ये एक मोनोसैकेराइड है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें देखो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए तो पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, और ऊपर ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अब ये है डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। अब इस डी और प्लस का क्या चक्कर है, पहली बात तो ये है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं डी और एल, वहां से ये थोड़ा सा डिफर है। ये डी और एल क्या है, उस समय के साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई जब भी आप ऐसे कोई ग्लूकोज लिखते हैं तो उसका जो लास्ट है यानी कि लोवेस्ट है कायरल कार्बन, उसके ऊपर OH की पोजीशन देखनी है। अगर लास्ट कायरल कार्बन पे या चिराल आप जो भी इसको कहें, उस कार्बन पे अगर OH राइट साइड में है तो उसको आपने D लिखना है, अगर लेफ्ट पे है तो उसको L लिखना है। अब यहाँ पे देखो, नीचे से शुरू करते हैं, लोवेस्ट यानी कि लास्ट होना चाहिए, कौन सा कार्बन लेना है आपने, लोवेस्ट कायरल कार्बन, इसके ऊपर क्या देखना है, OH की पोजीशन। ये जो है इसमें दो हाइड्रोजन, एक जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये है क्योंकि चारों अलग अलग ग्रुप हैं, एक ये है,
एक ये है, एक ये है और एक ये है, चारों अलग अलग टाइप की डेंसिटी हैं। तो ये कायरल कार्बन है लोवेस्ट। अब इस पे OH कहाँ है, राइट साइड में है, तो राइट में होता है तो इसके लिए आपको डी यूज करना है, ये बताया गया हमें। ये जो प्लस और माइनस है ये ऑप्टिकल रोटेशन है कि जब आप उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन लेके प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से गुजारेंगे तो वो राइट साइड में मुड़ती है, यानी कि क्लॉकवाइज तो वो प्लस है और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो माइनस है। तो ये क्या है, ये एक एल्डोज है। कैसा एल्डोज है, तीन कार्बन का, यानी कि एल्डो ट्राइओज का ये एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड। इसी तरह कीटोन का हो सकता है। अब कीटोन की खास बात क्या है, CO कीटोन ग्रुप, ये कभी भी चेन के ना शुरू में आता है ना लास्ट में आता है, ये बीच में आता है। तो हमें ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा, अब CH2OH, बीच में कीटोन ग्रुप आएगा और ये क्या है CH2OH। ये क्या है, ये कीटोज का एग्जांपल है जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दो हाइड्रोक्सी है तो ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके बाद अभी जैसे हमने बात की कि ज्यादा फेमस कौन से हैं, पेंटोज और हेक्सोज, तो हेक्सोज का ही एक एग्जांपल है ग्लूकोज, जिसका हमने डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले तो आप जो इनकी ओपन स्ट्रक्चर है जो पहले दी गई थी वो तीनों की याद करें, क्योंकि उसकी सहायता से जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। और तीन की हम याद करेंगे यहाँ पे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, क्योंकि तीन डाइसेक्राइड हैं आपके सिलेबस में। एक तो है सुक्रोज, एक है माल्टोज, एक है लैक्टोज। तो अगर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन तीनों की आपको स्ट्रक्चर आती है तो साइक्लिक बनाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी ही पड़ती हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो ऐसी ये स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको ऐसे तरीके से रट लो कि आपको ये वहम होने लगे कि हमने उसको याद कर लिया। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि बताओ ये क्या लिखा है, तो आप तुरंत कहेंगे F। तो ये आपने ऐसा रट रखा है कि कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे तो उसको F कहना है, कि आपको अब ये लगता है कि ये चीज़ मेरे समझ में आ गई। ऐसी बात यहाँ पे आप अप्लाई करें। तीन स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, एक पढ़ेंगे ग्लूकोज की, बिल्कुल आसान सी स्ट्रक्चर है, एक पढ़ेंगे गैलेक्टोज की और एक पढ़ेंगे फ्रक्टोज की। ये आगे भी हमें काम आएगी डाइसेक्राइड के, जो जिनको आप मुश्किल स्ट्रक्चर समझते हैं वो बड़ी आसानी से बनेंगे इनसे। फॉर्मूले की अगर बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला भी यही है C6H12O6, गैलेक्टोज का फार्मूला भी यही है C6H12O6, फ्रक्टोज का फार्मूला भी यही है C6H12O6। फार्मूला सबका सेम है। जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ये हैं। ओपन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, जो ओपन स्ट्रक्चर इनकी प्रोपोज की गई उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड ग्रुप, ये लो भाई सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, CHO ग्रुप होगा ग्लूकोज में, इसकी बात कर रहे हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, तो मैं 6 लिख देता हूँ। ये कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसमें जितने भी कार्बन बच गए इसके ऊपर है H और OH, एक तरफ H एक तरफ OH, तो कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है कि H किस तरफ लगाएं OH किस तरफ लगाएं। तो यहाँ हम D प्लस ग्लूकोज की बात कर रहे हैं और इसमें आपको याद रखना है कि तीसरे कार्बन पर आके इस साइड में तीसरे कार्बन पे OH है, बाकी सारे क्या है H है। तो कन्फ्यूजन खत्म, 1, 2, 3 इस पे मैं OH लगा रहा हूँ, अब बाकी H और OH आप लगा दो, बिल्कुल आसान सी बात होगी। याद रखना है तीसरे पे OH है, तो अब यहाँ क्या आ गया H और OH, यहाँ क्या आ गया H और OH, यहाँ क्या आ गया H और OH।
नीचे क्या होगा CH2OH। अब यहां देखो आप OH है तो यहां क्या आ गया H, D क्यों लिखा। अब आप सबसे नीचे आ जाओ, ये कायरल कार्बन नहीं है, इस पे क्या है, ये कायरल है, ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये सारा अलग है, तो ये कायरल कार्बन है लास्ट वाला, इस पे OH कहाँ है, राइट साइड में, इसलिए इसको क्या लिखा है D। तो तीसरे कार्बन पे OH है, ये आपको ओपन स्ट्रक्चर में याद रखना है, ग्लूकोज में डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज में क्या याद रखोगे, ऐसा का ऐसा, चौथे कार्बन पर भी OH है इसी साइड में, बाकी सेम। तो देखो क्या हुआ, ये भी एक एल्डोज है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लिया आपने एक कार्बन, ये 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स का मैं पता क्या आएगा CH2OH, 1, 2, 3 तीसरे के ऊपर OH इस साइड में, चौथे के ऊपर भी OH इस साइड में, बाकी सारे H और OH। अब लगाओ आप ये H तो इस साइड में OH, ये OH है तो यहाँ H, OH है तो यहाँ H, यहाँ आएगा H और OH। तो याद ये रखना, इसमें तीसरे पे OH है इस तरफ, गैलेक्टोज में क्या है, तीसरे और चौथे दो पे OH है, तो ये D गैलेक्टोज आगा। डी का मतलब फिर वही, क्योंकि लास्ट यही बनेगा कायरल कार्बन, ये तो कायरल है नहीं, ये है लोवेस्ट कायरल, इस पे OH इस साइड में। अब ये दोनों कैसे थे, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप थे। फ्रक्टोज में क्या होता है, एल्डिहाइड नहीं होता, कीटोन ग्रुप होता है। अब कीटोन है तो हमारी मजबूरी ये है कि वो ना चेन के शुरू में आएगा ना लास्ट में, जैसे एल्डिहाइड तो यहाँ आ गया था, कीटोन नहीं आ सकता, तो हमारी मजबूरी क्या होगी कि CH2OH ये लेना पड़ेगा हमने, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में आता है, छः कार्बन इसमें, तो छः कर लेते पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स्थ भी क्या है CH2OH। इतना करने के बाद आपने वही याद रखना है जो ग्लूकोज का था, यही की यही स्ट्रक्चर रहेगी, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। अब बताओ ग्लूकोज में क्या था, ये दोनों बीच में लाने के लिए CH2OH, ये CH2OH करना पड़ा तो CO यहाँ आया। अब तीसरे कार्बन पे OH था यहाँ पे, तो 1, 2 तीसरे पे OH लिया, ग्लूकोज की तरह बनाना है, ये होगा H, फिर बाकी तो H OH, ये भी क्या आया D फ्रक्टोज। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं, ग्लूकोज ये क्या है, गैलेक्टोज, और ये क्या है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में तीसरे पे OH है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, इसमें तीसरे चौथे दो पे है, इसमें ग्लूकोज की तरह है, बस यहाँ कीटोन आपको लेके आना है। तो अब जो सबसे फेमस है हेक्सोज सुगर अपनी यानी कि ग्लूकोज, अब उसके ऊपर आ जाते हैं, और सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन कैसे तैयार करते हैं ग्लूकोज को।